हेलो एवरीवन, आज हम लास्ट ऑफ मैथमेटिक्स के ठीक है फंक्शन चैप्टर के कुछ जो टॉपिक्स हैं, वन ऑन फंक्शन क्या होता है, मतलब एकैकी फलन, बहुएकी फलन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन, आज बातें और इन टू फंक्शन को भी हिंदी होती है, ठीक है, मतलब आज खाली होता है इन टू फंक्शन का हिंदी क्या होता है भाई, इन टू फंक्शन की हिंदी होती है आज हिंदी में थोड़ा स्लो मतलब हिंदी तो उसको बोलते हैं अंताक्षरी, ठीक है, पहली बात अगर दो सेट हैं मान लो ए और बी, पहले सेट के मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब ये वन ए टू ए थ्री, फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, पांच ठीक है, तो टाइप्स है फंक्शन के वो तो डिस्कस करेंगे, फंक्शन थोड़ा सुना ए बी सी इसी सब एग्जांपल भी सारा समझा देंगे। तो क्या होता है फंक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट की मैपिंग होती है, हर एक एलिमेंट की होती है मैपिंग होती है फंक्शन के अंदर सारे कुछ अलग नहीं है, ए और बी नहीं, वाई का सी है तो ए और बी नहीं है, पर हर एक एलिमेंट का होगा एक एक ही इमेज, ठीक है, एक ही इमेज हो रहा होगा, हाँ दोनों का सेम हो सकता है, दो एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, जैसे दो वेटों की एक मान हो सकती है, ये पॉसिबल है। फंक्शन के अंदर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होनी चाहिए और हर एक सेट एक एक एलिमेंट होनी चाहिए, सारे एलिमेंट ऐड होने चाहिए, हाँ। और अगर मैंने यहाँ पे डी लिखा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि दूसरे सर का भी सारा मैप हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये बात नहीं, पर सर के अंदर सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा ट्रिक्स बता दिया है, बाकी अब जो इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं उसको समझिए, ठीक है, तो अभी हम समझ लिए फंक्शन क्या होता है, ठीक है, अब पढ़ेंगे, ठीक है, वन वन फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं एक एक फलन, ठीक है, फंक्शन को फलन तो वन वन फंक्शन, नोट आउट मत करो कि पहले समझो, नोट आउट हो जाएगा, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक एक फलन, एकाई का अर्थ लिखा होता है कि एकाई की लिखा होता है, समझो एकाई की फलन, अच्छा इसको एक और नाम देते हैं अपन इंजेक्टिव, क्या इंजेक्शन ही लगाते हैं, मतलब इंजेक्शन कैसा होता है, इसका मतलब क्या होगा, एक एक करके इंजेक्शन लगाओ, ठीक है, एक का एक के साथ इंजेक्शन, एक एक करके सारा सुन गया नहीं देखा यार, मतलब ये क्या होता है, मान लो दो सेट हैं, अब हमेशा ए बी ही लेते हैं यार, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी लो, एक्स वाई ले लो, एक्स और वाई, अभी इस पे जो क्वेश्चन है ना वो भी हम नहीं करेंगे, अभी पहले इसको समझें, ठीक,
ये कौन से मतलब कहाँ की दुनिया का है, ठीक है, किस पर जाते हैं। तो अगर मान लो एक सेट एक्स सेट दूसरा सेट वाई, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो एक्स से लेकर के वाई पे डिफाइंड है, मतलब एक्स और वाई सेट के बीच में बना हुआ होगा। कैसे बना वो, एक्स और वाई दो सेंटर में होंगे, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराए होंगे, उनका पार्टीशन प्रोडक्ट करवाए होंगे, उससे कुछ रिलेशन आ रहा होगा, ठीक है। मतलब जैसे आ नहीं रहा हो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो फिर एक स्पेशल केस निकाल करके फंक्शन वाला बना लिए होंगे, ऐसे होता है। तो समझा, तो वन वन फंक्शन में अगर देखेंगे तो अगर मान लो सेट एक्स के अंदर मान लो है क्या ले वन टू था, ऐसे थोड़ा आराम वन टू थ्री फोर और फाइव ले लिया, यहाँ पे हमने मान लो ले लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। अब होगा क्या यार, अच्छा और ए इधर भी ये y के अंदर होगा, ये x। अब इसमें मतलब फंक्शन के अंदर क्या होगा, पहली बात तो फंक्शन का मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट ऐड होना चाहिए, यानी सबसे एरो निकल रहा हो, सबसे एरो निकल रहा हो। बट अभी तुमने फंक्शन में पढ़ा था कि दो एलिमेंट का सेम इमेज भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे वो वाला नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे वो वाला फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मतलब एक ही इमेज होना चाहिए, बोलो। यहाँ पे वो नहीं चलेगा कि दो 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 से कनेक्शन बन रहा है, मतलब समझे कि नहीं, फोकस एक पे है। बोलते हैं यार मतलब लड़के जो थोड़ा सा टीनेजर्स होते हैं कहते हैं क्या कहते हैं कि प्यार को तो एक से ही करो, है ना, दूसरे से क्यों करना, मतलब संपर्क अगर एम भी बनाओ कुछ गलत बनाओ तो होगी, एक ही टारगेट मान लो एम बनाए, इसमें भी एक चीज मान लो तो चीट रहता है फोकस ऑन वन की, तो वन की मैं अगर एक साथ मान लूंगी तो अब किसी की नहीं होगी। अगर वन वन फंक्शन होना है तो फंक्शन एक में हो सकता है कि टू की हो जाए कोई पड़ेगी जो मैं नहीं मानूंगी, बट वर्मन अगर होना है किसी को वो वहां पे हर एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, यानी कि अगर वन का ए हो गया तो टू का ए नहीं हो पाएगा, टू का एक्स हो जाएगा, थ्री का वाई हो जाएगा, फोर का जेड हो जाएगा और फाइव का बी हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का है देखो वन की ए है तो वन का, फिर टू का ए भी नहीं, हर एक एलिमेंट का एक अलग 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 अलग, ठीक है, सेम नहीं है, दो का किसी का सेम नहीं है, फंक्शन के अंदर अलाउड है दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, बट वन वन फंक्शन के इसमें ऐसा नहीं है, अलग एलिमेंट अलग और ये अलग ही स्पेशल सेट, ठीक है, और फंक्शन का भी स्पेशल सेट वन वन, ठीक है, समझ लो अलग अलग इंडिविजुअल हो सकता है। बाकी इसका एक मतलब टेस्ट भी होता है, मतलब जैसे वर्टिकल लाइन, अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हो तो उसको ग्राफ का प्लॉट करके तुम वर्टिकल लाइन टेस्ट करके फंक्शन डिफाइन करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके फंक्शन बता सकते हो। जैसे मान लो बाकी ग्राफ पे अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मान लो अगर देख रहा है एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन पे हम हमसे मान लेते हैं हमारा जो फंक्शन है वो एक्स, ठीक है, एफ एक्स को वाई भी बोलते हैं, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स बोल लो चाहे वाई बराबर एक्स बोल लो, एफ एक्स और वाई क्या है सेम ही चीज होती है ना, एफ एक्स को क्या बोलते हैं वाई बोल रहे होते हैं, ठीक है, आ रहा है ना भाई बोल, हाँ एफ एक्स को ही क्या बोलते हैं वाई बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स क्या एक्स में एक्स की क्या वैल्यू डाले कि एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसा कुछ करके समझ रहा है वाई बराबर एक्स, जैसे मान लो लाइन वाई बराबर एक्स लाइन कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं ये आपकी वाई बराबर एक्स लाइन, ठीक है, अभी के लिए सुनो बाकी तुम जैसे क्या है इसका मतलब कप ऑफ बना के निकाल सकते हो y बराबर x लाइन कैसे प्लॉट करेंगे, y बराबर x लाइन कैसे प्लॉट करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन में लेवल में पढ़ा होगा, बाकी तुम समझ सकते हो कि y बराबर x मतलब क्या है, जो y होगा वो x होगा, अगर x की वैल्यू अगर ऐसे वैल्यू डाले तो y में बनाएगा 2 डाले तो 2 आएगा, 3 डाले तो 3 आएगा, 0 डाले तो 0 आएगा, मतलब 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, समझ रहे हो ना, 2 पे 2 है, समझ रहे हो, ये आपकी बुक किसी चीज को किसी ग्राफ को फंक्शन डिफाइन करना
वर्टिकल लाइन टेस्ट, बी एल डी वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन क्या होती है? ये वाली खड़ी, ठीक है, ऊर्ध्वाधर है। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मतलब जो छाती होती है, जो पड़ी हुई होती है, लेटी हुई होती है। तो ये कब, ये किसके लिए होता है? ये अगर कोई फंक्शन को चेक करना है वन वन या मेनी वन चेक करना है। तो अगर वर्टिकल, अगर ये पता करें ये स्टेटमेंट फंक्शन है कि नहीं, हमने तो लिख दिया कि फंक्शन ये है वाई बराबर एक्स, बट अगर चेक करना तो करेंगे वर्टिकल लाइन डालेंगे इस पे, तो क्या होगा? ये ही पॉइंट पे करना, मतलब तो क्या दिख रहा है? एक्स की अगर कोई वैल्यू, यहाँ पे मान लो एक्स की वैल्यू टू होगी, तो यहाँ पे भी कुछ अलग ही हमारी टू आएगी, ठीक है, टू पे टू ही आएगी। अब टू पे कोई अलग तो कोई नहीं आ रहा ना ग्राफ, मगर ग्राफ ऐसे होता मान लो x की मान दो होता है, यहाँ पे y कितना है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, समझता है? मतलब x के एक ही वैल्यू पे दो दो मान आ रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है ना फंक्शन के अंदर, एक एलिमेंट के दो दो इमेज, मतलब इसका मतलब ये बोलोगे कि 2, 1 और 2, 2, तुम देखो अगर प्लॉट करोगे तो 2 तो उसमें हमें क्या होगी, 1 से भी होगी 2 से भी होगी, ये फंक्शन करेंट नहीं, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। वर्टिकल लाइन ये बताता है, अगर किसी को देखना है फंक्शन है कि नहीं, तो अगर वर्टिकल लाइन डाले, वर्टिकल लाइन डाली है तो वहां पे क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट मिल रहा होगा, अब भी पता चल पाएगा कि फंक्शन है, एक पॉइंट मिला तो फंक्शन है, दो तीन पॉइंट मिला तो फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही हो गया। अगर पता करना कि 1-1 है कि मेनी वन, बट मुझे लगता है कि पहले मुझे तुम्हें मेनी वन भी एक्सप्लेन करना है, मैंने किया तो 1-1 के अंदर ये हर एक एलिमेंट का एक 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 इमेज मेनी वन क्या हो जाएगा, दो का सेम हो जाएगा, बट थोड़ा सा क्या कर देंगे जो मैपिंग है या इमेज फॉर्मेशन है वो अलग है। x हो गया सेट और ये सेट y हो गया, एलिमेंट सेम ही रहते हैं बस थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन होगा। आकाश हां, इन लोगों ने नियम बता दो ना, ये ठीक है। तो अभी हम मेनी वन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन हो गया था। तो अब मेनी वन मन मन तो समझे ना, हर एक एलिमेंट की एक ही सिंगल इमेज होगी, दूसरे वाले की जो पहले की हो गई दूसरे वाले की नहीं होने वाली चाहिए, मन मन मेनी वन फंक्शन भैया तुम इनसे भी कर मोहब्बत और ये वाला इनसे भी मोहब्बत कर लेगा, ठीक है, मतलब इनको इनका भी फ्रेंड बना लेगा, ठीक है। पक्का दोस्त एक ही होता है वन वन वाला, मेनी वन के अंदर क्या होता है, जो सबके साथ सबका साथ सबका कर देता खाने ढूंढ में सब किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, मतलब कैसे हो सकता है यार, एक इंसान कितना कर लेगा, आप भले समझ के हिसाब से बात में हो सकता है, बट एक टाइम अगर इंसान छोटा सा है यार, है ना, 15-17 साल का है, तो भी खुद का वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, दूसरों का और कैसे सॉल्व करेगा, उसको बनना। कहने का मतलब कि इसकी मैपिंग वन की, वन की ए से बी होगी और टू की ए से बी होगी। यहाँ पर तुम ये भी नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जैसा एरो जा रहा है पहले से, यहाँ पे क्या होगा कन्वर्ज हो रहा है, मतलब दो निकल के एक पे मिल जाएंगे, ठीक है, इससे हो गई इसकी इससे हो गई। और हालांकि हाँ सारे एलिमेंट मैप हो रही थी इधर छूट गया तो मतलब अभी ये भी सुनते हैं कि जब छूट जाता है तब क्या बोलते हैं, और जब नहीं छूटता इधर भी सारा मैप तब क्या बोलते हैं, उसका अलग जो जो बन जाता है ना सिचुएशन उसी के बेसिस पे सारे टाइप्स बन जाते हैं, समझे, यही होता है कहानी। तो मैंने मैंने समझ गया कि दो का एक हो जाएगा, दो का एक हो जाएगा, और तीन का भी एक हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इन्हीं का सबका एक ही सब हो सकता है, ठीक है, बाकी गलत। अब हाँ, और वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है फंक्शन के लिए होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वन वन और मिनिमम के लिए होगा। अच्छा देखो, मान लो अब जैसे थोड़ा सा फंक्शन तो समझ ही गए थे ना यार, मतलब ये वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल लाइन में सीधा सा खड़ा रेखा डाल दो,
हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ा रेखा डालेंगे, पड़ा रेखा मतलब क्या लेटी हुई रेखा डालेंगे, ठीक है। ये वाई बराबर एक्स का क्या है ग्राफ है आपका, है वाई बराबर एक्स का ग्राफ। पड़ी रेखा मतलब क्या, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी, इसको बोलते हैं एचएलटी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन डाल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है नीचे डाल, यहां नीचे से भी डाल सकते हैं। देखो ये ग्राफ जो वाई बराबर एक्स है, ये वन, ये तो है वाई बराबर एक्स, यहां पे एक पॉइंट मिल रहा है, यहां पे भी एक ही पॉइंट मिल रहा है, और एक ही पॉइंट पे कर रहा है, क्या कर रहा है। मतलब देखो यहां पे चक्कर हो गया बात में, x की जो भी वैल्यू होगी यहां पे, y पे क्या है सिंगल वैल्यू आ रही है, मान लो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो सकती है, मान लो तो 2 है, और यहां पे भी 2, तो 2 पे 2 आ गई। अगर इधर बात अगर बात करेंगे तो मान लो यहां पे x की वैल्यू -2 है, तो इधर निगेटिव करेंगे तो इधर कितना आ रहा है -2 आ रहा है, y पे भी तो -2 ही आ रहा है ना, मतलब देखो y पे -2 हो, ठीक है। बाकी एक लाइन से पता चल गया ना कि एक पे एक ही पॉइंट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे डालते हैं एक ही पॉइंट मिलता है ग्राफ पे, एक ही पॉइंट अगर आ रहा है कट कर रहा है, उसको बोलते हैं वन वन, क्या बोलते हैं वन वन। तुम ऐसे देख करके ग्राफ समझ सकते हो, बाकी भी सवाल के अंदर क्या समझेंगे वो भी सीखेंगे, बट अभी थोड़ा सा ग्राफ और थोड़ा सा ये मैपिंग से समझते हैं। अगर मान लो ऐसे कुछ ग्राफ होता जैसे ये ऐसे है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या एक ही पॉइंट मिलना चाहिए, अगर एक पॉइंट मिलता है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में तो क्या फंक्शन हो जाएगा वन, ज्यादा पॉइंट मिल जाएगा एक्स को, मैनी वन, मैनी वन, मैनी मतलब बहुत सारे लोग एक, वन वन का मतलब वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, अच्छा ही क्या मतलब सब एक का एक की हिंदी में उसको बोलते हैं बहु एक, बहुत सारे होगा एक के साथ, ठीक है, मतलब एक का एक के साथ, एक का एक, एक का एक, इसको एक का एक बोलते हैं, मतलब एक का एक से, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक। तो अगर मान लो आप कुछ ऐसा समझ रहे हैं मैनी वन वाला भी देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालकर, दो पॉइंट कैसे मिलेगा, मान लो कोई ग्राफ ऐसे सोचो कुछ भी अलग अलग सोचो यार, अलग अलग मानो ग्राफ ऐसे, ये अच्छा ये कौन सा ग्राफ, ये बी शेप्ड ग्राफ है ना, इसको बोलते हैं वाई बराबर मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन होता है, इसके अंदर कुछ भी डालो नेगेटिव पॉजिटिव डालो तो क्या आता है पॉजिटिव भी आता है, तो ये क्या मॉड। अब इसके अंदर अच्छा ये फंक्शन ही नहीं है, चक्कर फंक्शन फंक्शन नहीं है, वर्टिकल लाइन डालेंगे एक पॉइंट मिलता है, यानी कि फंक्शन तो है, ग्राफ सबसे आसान बन जाता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे वो किस की होता है हॉरिजॉन्टल लाइन वन वन और मैनी वन, कितने पॉइंट मिल रहा है, दो पॉइंट मिल रहा है, समझ रहे हो, मतलब एक्स की वैल्यू टू पे भी कितना आ रहा है आंसर, मान लो टू आ रहा है, और माइनस टू पे भी आंसर कितना आ रहा है टू भी आ रहा है, मॉड के अंदर यही होता है मॉड टू बराबर टू और मॉड माइनस टू बराबर ये कौन सा है, ये मैनी वन है, दो अलग अलग वैल्यूज पे एक आंसर, दो अलग अलग वैल्यूज पे, मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनाओगे मैपिंग से, ये टू और माइनस टू का आंसर क्या आ रहा है टू आ रहा है, मॉड का है चक्कर, ये क्या है मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा मैनी वन, मतलब दो पॉइंट मिल गया, दो से ज्यादा भी हो सकता है, समझ गए ना यार, वन वन मैनी वन समझ गए। अब जो है इसके अंदर आगे हम समझेंगे ऑन टू और इन टू फंक्शन, सीधा स्ट्रेट वर्ड, बुड्ढे हो गए यार, इधर बैठो आया समझ में, नोट करोगे ठीक है, स्क्रीन शॉट आप लोग, ठीक है, आज स्क्रीन शॉट आप लोग ले सकते हैं, उनका तो चुनाव हो गया यार, अभी कल सत्य सर बोलने बर्बाद है, जब भी अपने आपको भी गुस्सा आएगा, कितनी जल्दी यार, मतलब सुबह ही सुबह कर देते हैं, देख रहे हो सुबह ही सुबह मतलब चालू, अभी दो ही दिन मिलेंगे उसके बाद देखो, सही फील, चलो भैया अच्छा है, ये लोग भी कुछ तो करते ही यार, घंटे के लिए मतलब मीटिंग की वजह से तो चलता है, चाय से भी तो अब देख गए, तो अब क्या पढ़ेंगे, वन वन मैनी वन समझ गए, बताओ मुझे वन वन मैनी वन क्या होता है, बताओ तुम लोग बताओ, क्या वन में एक ही होती है, एक का एक साथ होता है, हां मैनी वन का बहुत सारे होगा, हां समझ में आया, चलो ठीक है।
से बताओ और क्या मस्त दस यहाँ तुम कट कर लेना वीडियो अब क्या समझेंगे ऑन टू फंक्शन क्या अच्छा वन वन फंक्शन को हमने और नाम बताया इंजेक्टिव इंजेक्शन एक एक करके लगा देना वहां से शुरू करते हैं ऑन टू फंक्शन समझेंगे और ऑन टू फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं आच्छादक हिंदी क्या होता है आच्छादक बोलते हैं ठीक है आच्छादी भी हुआ आच्छादी बोल दो ठीक है या आच्छादक नहीं ये इतना शुद्ध हिंदी है भैया हम जब फर्स्ट टाइम जब ट्वेल्थ में थे तो हम मतलब बहुत ज्यादा मतलब हटाओ ये क्या है यार अच्छा अच्छा आच्छादी आच्छादक फलन हमारा टॉपिक रहेगा ठीक है अच्छा इधर भी मैं मतलब दोनों एक साथ में डाल देता हूँ और फिर एक्सप्लेन कर लूँ सारे और अच्छा ऑन टू फंक्शन दूसरा हम क्या बोलते हैं इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव तो ऑन टू फंक्शन के बस सिंपल को डोमेन इक्वल टू रेंज जब तुम सवाल करोगे तभी हम इसी तरह से जब को डोमेन और रेंज क्या हो जाए सेम हो जाए को डोमेन क्या था सेट बी दूसरा सेट को कोडोमेन बोलते हैं और रेंज जो एलिमेंट मैप्ड हो जो एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर दूसरे पहले सेट से जो मैप है वो बाकी समझेंगे यार तो हाँ चलो देख यहाँ पे क्या नाम देंगे आप एक्स वाई बोल लीजिए ए बी बी बोल लीजिए आपका दूसरा नाम छोटा बड़ा छोटा वाला सेट बड़ा ले सकते हो उसमें कोई जरूरी नहीं है मतलब कि बस एक्स वाई और ये बस ये थोड़ी ना ले सकते ठीक है बट कोशिश ये करते हैं कि अल्फाबेट से लेते हैं ना इंग्लिश से क्या कर लेते हैं तो यहाँ पे लेते हैं एक सेट जे और दूसरा सेट के जे के पैरेंट्स ठीक है इसके अंदर क्या ले रहे हैं हमेशा गिनती है लिया है कुछ अलग बताओ पूरा बहुत हो गया कुछ अलग बताओ ना यार कुछ भी नंबर बता दो कुछ भी अलग चीज बता दो अब सर कहते तो कुछ भी अलग ना बस प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए रहेगी तो इधर इस बार इसमें एक्स वाई जेड डाल देते हैं तो इसके अंदर मान लो कुछ डाल देते हैं छोटा बड़ा सेट डाल देते हैं छोटा बड़ा छोटी ठीक ठीक छोटा सा एग्जाम्पल ले देते हैं अब अगर ऑन टू फंक्शन होना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सेट दूसरा होता है उसी को कोडोमेन बोलते हैं कोडोमेन मतलब हिंदी में सह प्राण सह फंक्शन ले गए सेट वन को फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं यहां पे क्या होता है प्राण क्या होता है प्राण और रेंज किसको बोलते हैं रेंज का हिंदी क्या होता है परिसर तो अब सुनो तो अब इसमें कुछ नहीं कितना भी मैं कुछ नहीं कुछ बट हाँ फंक्शन का वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए ना कि हाँ एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए वो लेकर के चलो वो थोड़ी देर मान लो इसका इससे हो गया ठीक है और ऑन टू है ना हाँ तो इक्वल हो और मान लो इसका इससे हो गया ठीक और इसका इससे हो गया ठीक है एक और कोई ले लो ए इसका यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है पहले सेट के तो फंक्शन के लिए एलिमेंट मैप होनी ही चाहिए और हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए एक ही एक होनी चाहिए दो की एक होती है अलग बात है वो सही चलेगा बट एक्स की अगर छोटा है तो एक्स कोई दूसरी नहीं है वाई अगर छोटा है तो कोई दूसरी नहीं है जेड अगर बड़ा है तो कोई दूसरा और नहीं बना रहा जेड से रिलेशन दूसरे सेट के सारे एलिमेंट मैप हो जा रहे हैं फंक्शन ऐसा कोई जरूरी नहीं हो गया तो ठीक नहीं हो गया तो भी ठीक लेकिन पहला सेट तो होना ही चाहिए सेट के सारे एलिमेंट हमेशा होने देते हर एग्जाम में सारे सेट को मैप कर देते सारे एलिमेंट को मैप कर देते इधर कोई कभी करते थे कभी कभी छोड़ दिए हैं कभी नहीं छोड़े हैं यहाँ पे सारा छोड़ दिए तो ये जो केस बनेगा ना जिस केस में सेट टू के मतलब दूसरे वाले सेट के मतलब यहाँ पे जो सेट के है है, तो उसके सारे जब मैप हो गए तो यहाँ पे अगर तुम परिसर निकालने जाओगे क्या कहोगे कि भैया ये जो भी बना है फंक्शन इसके अंदर अगर परिसर निकालने की बात करेंगे परिसर का मतलब क्या है रेंज रेंज निकालने जाएंगे फंक्शन का तो किसके बराबर हो जाएगा और ये भी टाइप का सेट ही होता है तो परिसर जो लिखोगे तो क्या आएगा कि भैया छोटा भी मैप है बड़ा भी मैप है और छोटी भी मैप है मतलब ये भी मैप ये भी मैप ये क्या हो जाएगा परिसर हो जाएगा परिसर के अंदर परिसर वाले समुच्चय के अंदर ये वाला सारा एलिमेंट आ जा रहा होगा जो मैप होता है दूसरे सेट के अंदर वही परिसर के अंदर आता है
डोमेन, तो ये सारे हो गए x y z। बट परिसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, छोटा कॉमा, सेट को लिखने का कॉमा तरीका लगता है, बड़ा और फिर छोटे, तो ये परिसर हो। अगर कोडोमेन लिखेंगे इसके लिए, कोडोमेन अगर लिखते हैं यानी कि हिंदी में सहप्राण, तो इसको भी एक सेट फॉर्म ही लिखते हैं ना सब, ये डोमेन बोर्ड में सब सेट ही है, बट अपना अलग 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 डेफिनेशन लेके चल रहे हैं कि नहीं हम तो एक्स होंगे, हम इनपुट हैं, डोमेन को बोलते हैं इनपुट्स, कि भैया यही डाल सकते हो, डालोगे तो तुमको खत्म हो जाएगा। ये क्या होते हैं परिसर, आउटपुट होते हैं, बट ये देख लो बस उसके बाद में कुछ होते हैं आउटपुट, ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट, ठीक है। बाकी इसको बहुत बढ़िया समझते यार, मतलब 11 के अंदर मतलब अगर देखा जाए तो मतलब फंक्शन पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में होता है, मॉक एक्सप्लेन नहीं है, बट अब 12 में तो थोड़ा सा ऐसा तो उतना हमें नहीं कि हर एक चीज को तो डिटेल के अंदर जाएगा, मिक्सर ग्राइंडर का लेकर के जैसे बता सकेंगे फंक्शन वो है, जैसे मान लो मम्मी पढ़ाए गई यार यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, ये मान लो ऐसे इसमें बोलते हैं कि अगर मान लो मिक्सर है, इसके अंदर क्या है, मान लो ये जूस वाला मिक्सर, जूस ही डालो ना, सोना थोड़ी डालो, ब्रेक हो जाएगा ना फंक्शन, तो जो भी मिक्सर ब्रेक हो जाएगा, ये इसके अंदर क्या कोई फ्रूट्स ही डालोगे ना, आम डाल दिया, मैंगो डाल दिया, कुछ डाल दिया, उसके उसके बेसिस पे क्या आएगा, भैया फल डालो तो फल का जूस आएगा, यानी कि फल डालने में कुछ अलग ही आता है, तो जो डाल रहा है वो भी एक कंडीशन है कि क्या डाल सकते हो, जो आंसर आ रहा है वो भी इनपुट पे ही डिपेंड करता है, ऐसे कुछ भी नहीं कि कुछ भी डाले कुछ भी निकाल के जबरदस्ती अपने मन से जो सोच रहा हो कल से कहो भैया माना कड़ी डालेंगे, ब्रेक हो जाएगा यार, मतलब ऐसे हम बनाएंगे जो ये ऐसे हो जाएगा, हाँ टूट जाएगा, एक फिक्स इनपुट होता है, एक फिक्स आउटपुट होता है, इनपुट पे डिपेंडेंट होता है आउटपुट, यही फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो परिसर ही हो गया यहाँ पे सारे मैप है, तो जो मैप होते हैं जो सेट जो के अंदर जो इमेज फॉर्म कर रहे हैं पहले वाले एलिमेंट, जो भी जिनसे जिनसे अपना कनेक्शन बना रहे हैं उन्हीं को परिसर के अंदर लिख देते हैं, बाकी यहाँ पे जो सेट टू को ही क्या बोलते हैं, मोड डोमेन बोलते हैं, दूसरा सेट को क्या बोलते हैं हमेशा मोड डोमेन बोलते हैं, सेट टू यहाँ पे क्या है सेट के है, अरे टू का है तो के नाम यूजर वाइज समझ जाएगा, तो यार यहाँ पे वो भी वही है, मतलब जो परिसर के अंदर सारे मैप जो हो पा रहे हैं, मतलब होता क्या कि यार यहाँ पे कोड डोमेन सेट टू तो होता ही, बाकी परिसर के अंदर क्या होता है, अगर मान लो आपको एक हो जाता मान लो एल, ये मैप नहीं तो इसको नहीं लिखते ना, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे सारे मैप तो सारा लिख दिया परिसर के अंदर भी, और कोड डोमेन तो वो होता ही है दूसरा वाला, यहाँ पे कोड डोमेन और रेंज क्या है आपस में, ये यहाँ पे यही तो बात हो गई, कोड डोमेन इक्वल टू जब रेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शन बोलते हैं, आच्छादित या ऑन्टो फंक्शन या सजेक्टिव, मतलब सहप्रांत इक्वल टू बाइस, मतलब वहां पे तुम्हारे भाव आगे बताएंगे कि एफ का सहप्रांत मतलब फंक्शन का सहप्रांत अगर F का परिसर हो जाए, ठीक है परिसर और सहप्रांत सेम हो जाए तो वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑनटू फंक्शन हो रहा होता है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसी में हम इनटू भी पढ़ा देते ना यार, हर बार लिखेंगे नहीं, ठीक है तो इनटू फंक्शन क्या होता है वो भी देख लो, इनटू फंक्शन, ठीक है क्योंकि टाइम काफी हो गया है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन वो क्या होता है वो भी देख लो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंताक्षेपी, यार थोड़ा सा समझ लो उससे पहले तुम इसको बना लेना है, इसको तो नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है तो अगर मान लो हमने यहाँ पर बना दी बड़ी और यहाँ पे मैप नहीं, अगर हम परिसर लिखेंगे तो यही आएगा, तो यही आने वाला ना, अब कोड डोमेन क्या आ जाएगा यहाँ पे, बड़ी ही भी आ जाएगा क्योंकि कोड डोमेन का एक्चुअली दूसरा सेट ही होता है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या ना हो, यानी कि F का सहप्रांत और F का परिसर बराबर ना हो, तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है,
अंदाजे मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको इनटू फंक्शन इनटू फंक्शन इस फॉर्म में फंक्शन एफएक्शन बस का काम ठीक है ये मतलब इक्वल हो जाता है तब जब इक्वल हो जाता है तब तब ऑन होम ऑन होम ठीक अच्छा एक इसके पर और फंक्शन है एक ऐसा भी फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं एकैकी और अंताक्षेपी पर मतलब ऑन टू और वन वन फंक्शन को मिला के फंक्शन बनता है मतलब ऐसा फंक्शन ऐसा भी तो कुछ अभी हो सकता है कि जहां पे इसको मैं इरेज कर देता हूं ना समझ लेते हैं जब कोड ओवरफ्लो ट्रेनिंग होगा तो अंताक्षेपी बन जाएगा जब इक्वल हो जाएगा तो ऑन टू बन मैं तुम्हारा थोड़ा सा यार कंजूसी ज्यादा ना करें तो सभी दिन ये टेक्निक है बाबू है ना मतलब बाकी आप समझेंगे वन 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 ऑन टू होम वन वन ऑन टू फंक्शन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे एक की कि आच्छादी ठीक है अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है बाइजेक्टिव क्या बाइजेक्टिव ठीक वन वन को तुम्हें पता है कि क्या दूसरा नाम होते थे इंजेक्टिव वन टू क्या बोलते थे सर्जेक्टिव इतने सारे नाम है आपने कि और अच्छा दी बोला और उसको वन वन ऑन टू फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं और वन का एक नाम है इंजेक्टिव ऑन टू का अलग नाम है सब्जेक्टिव और जो ये वन वन ऑन टू को एक अलग नाम है मतलब एक आच्छादी फलन एक आच्छादी फलन सिंपल तुमको समझ में आ रहा है ऐसा होंगे जो एक आच्छादी दोनों हो सकता है ना कि भैया भी हो गया भी हो गया और वो वहां पे अरे किलोमीटर का स्ट्रेट लाइन जैसा चल रहा है एक दोनों का कॉमन एलिमेंट का सेम नहीं होगा वन होने के सीधा स्ट्रेट लाइन जैसे चलेगा वन टू वन वन टू वन एरो चलेगा वन टू वन एरो चलेगा वन टू वन एरो चलेगा ठीक है अच्छा तुम देखोगे यार वो रामायण मतलब कैसे होता है ऐसे तीन चलता है और इसे तीन डू निकलता है इसे ना मतलब मारता खट से तीन निकलता है ना ये समझो वन 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 पर्सनल है कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है दो से एक बन जाता है मिल करके ऐसे कुछ कुछ टिकनिक होता है एडिटिंग कर देती तो वन टू वन एरो जब होगा तो वन वन हो जाएगा बाकी यहाँ पे क्या देखो अगर यहाँ पे कोडोमेन की बात करें कोडोमेन मतलब क्या सहप्रांत की अगर बात करेंगे वो कितना आएगा वो सहप्रांत क्या होता है सेट एन होगा तो दूसरा सेट ये तो कोडोमेन होता है जैसे तुम्हें कोडोमेन अगर जैसे मान लो तुम्हारा फंक्शन डिफाइन है एम से लेकर के एन तो अगर बोले कोडोमेन कितना है तो बस बता दो सेट एन कोडोमेन का जाएगा सेट एन अरे इस बात का मैंने तो एग्जाम्पल दिया बट रेंज में थोड़ा सा कभी कभी सारे रन मैप हो गया कभी कभी नहीं बट हम जो बात कर रहे हैं वन वन ऑन टू यहाँ पे सारे रन मैप है दूसरे के भी और पहले के भी तो वन वन तो है बट साथ में क्या हो गई है ऑन टू भी हो गया सेव रन जो कि सेट एन है और परिसर की अगर बात करेंगे परिसर परिसर भी क्या नाम है सेट एन ही है सेट एन है क्या सेट एन अगर बात करें तो क्या है सुंदर ए बी सी और ये दोनों क्या है ये आपका कोडोमेन भी है और साथ में क्या है रेंज भी है कोडोमेन मतलब सहप्रांत और रेंज मतलब परिसर जिस केस में कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए और साथ में क्या हो जाए वन वन फंक्शन हो जाए
मतलब अगर तुम्हें एकाएकी और आच्छादी फलन करना है तो मतलब कि वन वन ऑन टू करना है, एकाएकी आच्छादी जब भी होगा तो फंक्शन क्या हो तुम्हारा, एकाएकी भी हो और आच्छादी भी हो, मतलब वन वन भी हो प्लस ऑन टू भी। ऑन टू कब होता है जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है, जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है तब ऑन टू होता है, और वन वन हो जाता है तब जब वन टू वन एरो, ठीक है, जब दोनों मतलब देखेंगे। ठीक है, बाय बाय करते हैं।